गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके घर में कौन कौन से पेड़ शुभ होते हैं। तो गाइस मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने आज टीका कर रखा है, तो गाइस आज मेरा फास्ट है, आप समझ रहे हो, आज मंगलवार और आज मेरा फास्ट है गाइस। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पेड़ आपके घर में शुभ होते हैं। गाइस पहली बात तो जो आपको पीछे दिख रहा है जाट का पेड़, या जाटी बोलते हैं उसे, वो भी आपको शुभ होता है, वो भी आपके घर में शुभ होता है गाइस। और नीम का पेड़ भी आपके घर में शुभ होता है गाइस। तो गाइस सबसे पहले आप अगर आपने अपने घर पर तुलसी माता नहीं लगा रखी हो तो लगाना। अगर आप भोले बाबा के वो पानी चढ़ाते हो या फिर उनकी पूजा करते हो तो पार्वती को खुश करना पड़ेगा गाइस। और तुलसी माता को खुश करने के लिए शालिग्राम आता है एक पत्थर काला कलर का, वो आपको लाके उसकी पूजा करनी पड़ेगी गाइस। अगर हाँ गाइस, तो और मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या घर में आपके शुभ रहेगा। तो गाइस अगर आपके घर में अमरूद का पेड़ है नहीं है तो वो भी आप ले आए, वो भी आपके घर में शुभ होता है अमरूद का, क्योंकि जब अमरूद का पेड़ शुभ होता है। और एक गाइस जो आप सोचोगे एक पीपल का पेड़ इतना बड़ा क्यों होता है, और वो मतलब उसकी जटाई लटकती क्यों है बरगद का, क्योंकि उसमें नारायण भगवान समाये हुए होते हैं गाइस पीपल के पेड़ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। लेकिन गाइस आप नए जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो गाइस वो देख तो लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते गाइस, तो जल्दी चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाय।